अब आपको ले चलते हैं सीधे मुरैना, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। बड़ी उर्वरा धरती है और बड़ी ऊर्जावान धरती है। ये देश को अपनी जवानी और उत्तर प्रदेश को अपना पानी देती है। धरती चंबल से जब पानी जाता है तो यमुना जी में शुद्ध पानी होता है और सब प्रयागराज में वो स्नान करने लायक होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस देश के लिए अपनी पूरी जवानी देने वाला चंबल का यह क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, और आज से नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था, इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा रचे जा रहे थे, उस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहादुर जवान के नेतृत्व में कुछ नौजवान इकट्ठे होते हैं और बहादुर जवान कोई और नहीं, इसी धरती में पला बढ़ा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं। उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा, अंग्रेजों को मारा और भारत की आजादी की संघनाद का जो शुभारंभ किया, बामुश्किल 20 वर्ष भी फिर अंग्रेज इस देश में टिक नहीं पाए। गोरखपुर के जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को रखा गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के प्रचारक थे और उससे पहले यही उनका जन्म हुआ था। ठाकुर रोशन सिंह सांझापुर के एक गांव में उनके साथ सहयोगी थे और अशफाकउल्लाह खान थे, ये सांझापुर के ही थे। मुझे पिछले दिनों विधानसभा का हमारा सत्र चल रहा था, वहां पर सदन चल नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने एक प्रश्न देखा, एक विधायक ने प्रश्न लगाया था कि ठाकुर रोशन सिंह के गांव में एक पेंटून ब्रिज दिया जाए, गंगा जी के एकदम तट पे गांव है। तो मैंने अपने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा, मैंने कभी ये ठाकुर रोशन सिंह, ये अपने क्रांतिकारी रोशन सिंह हैं का, हाँ, क्या विडंबना है, जिसने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उसके गांव में एक पेंटून ब्रिज की मांग हो रही है। मैंने कहा पेंटून ब्रिज नहीं, विधायक को बुलाओ, पक्का पुल दो वहां पे, और पक्का पुल बनना चाहिए और मैं उस गांव में स्वयं भी जाऊंगा। मैं उस गांव में गया था, ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर एक डिग्री कॉलेज बना के आया हूं, पूरे गांव को आदर्श गांव के रूप में बना करके। मैंने कहा जितने भी घर यहाँ के लोग हैं, इन सब के पास पक्का मकान होना चाहिए और गांव को आदर्श गांव के रूप में आगे विकसित किया जाना चाहिए। भव्य स्मारक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकउल्लाह खां का हम लोग सांझापुर में बना रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर की जेल में 1929 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। उनसे पूछा गया, अंतिम में उनसे पूछा गया कि भाई अंतिम ख्वाहिश बताओ अपनी। उन्होंने कहा मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, भारत माता की आजादी। और एक ही बात उन्होंने उनके मुंह से निकला था कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और सचमुच जो काम जो बात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने आज से 90 वर्ष पहले कही, मुझे आज चंबल के इस पूरे क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान के अंदर भाव आज भी देखने को मिलता है।
वही जज्बा राष्ट्र के प्रति समाज के लिए। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली होंगी, सड़क बिजली पानी अन्य सुविधाओं से भले ये क्षेत्र वंचित रहा हो, लेकिन जब भारत माता को बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो कौन सा ऐसा महीना और कौन सा ऐसा सप्ताह है जब देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए क्षेत्र का कोई ना कोई जवान शहीद न होता हो सचमुच। और इसलिए मैंने कहा इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसे नहीं, अनेक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक पूज्य रज्जू भैया के पूर्वज भी इसी धरती से गए थे। और यही नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर देश के अंदर राष्ट्रवादी शिक्षा का सांस्कृतिक भाव के साथ पूरे देश को जोड़ने का माध्यम बना हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के शिल्पी के रूप में श्री लज्जाराम तोमर जी की भूमि भी यही धरती है। इसीलिए मैंने कहा बड़ी ऊर्जावान धरती है, तो बड़ी ऊर्जावान धरती है और इस धरती को नमन करने का सौभाग्य आज यहाँ पर हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, तोमर जी मध्य प्रदेश में कई बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री है, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी है, कई मंत्रालयों का दायित्व उनके पास है, लेकिन अपनी सहजता अपनी सरलता अपनी कर्मठता में कहीं भी उन्होंने पद को आड़े नहीं आने दिया। और यही कारण है आप मध्य प्रदेश में कहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, देश में कहीं चले जाइए, कोई भी व्यक्ति तोमर जी के खिलाफ बोलने वाला नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं तोमर जी, और उत्तर प्रदेश में भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जो योगदान आपने दिया उस योगदान का परिणाम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति की, निरंतर आगे बढ़ी, एक एक कार्यकर्ता के साथ उसी सहजता के साथ उसी सरलता के साथ। मैं तो शुरू शुरू में जब तोमर जी का नाम आया उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन रहे हैं तो मैं जानता, मैंने समझा कि चंबल के हैं तो चंबल का नाम लोग कुछ अन्य मामलों में भी लेते थे, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि तोमर जी भी उसी भाव के होंगे। लेकिन जब उनसे बातचीत हुई, उनकी सहजता उनकी सरलता एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी कहीं भी, यानी वही निर्भीकता चंबल जैसी निर्भीकता भी उनके अंदर देखने को मिली, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता खड़ा हो पाया है, हम लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल पाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं तो जानता हूं कि आप सभी का समर्थन सबका सहयोग तोमर जी के लिए है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निर्वहन करने के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस दौरान मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में, और ऐसे ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं बंगाल में गया 2.5 महीने पहले तो वहां की दीदी ने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने नहीं दिया, तो मैंने भी जीत दिया। मैंने कहा देखो भाई, हम भी ऐसी मिट्टी से बने हैं कि अगर लड़ोगे तो फिर लड़ाई का जवाब भी जरूर देंगे, आप अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तब वहां के प्रशासन ने कहा हम सुरक्षा नहीं देंगे। मैंने कहा मैं सुरक्षा लेने के लिए तो आया ही नहीं, मैं सुरक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैंने झारखंड में अपना हेलीकॉप्टर उतारा, झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके मैंने कहा मैं सड़क से जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। 35 किलोमीटर दूर मुझे सड़क से चलना पड़ा। आप आश्चर्य करेंगे कितना उत्साह था, सड़क के दोनों ओर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम 35 किलोमीटर तक लगा रहा, और जब सभा स्थल में गया 1 लाख से अधिक भीड़ 5 घंटे से इंतजार कर रही थी। मैं गया आधा घंटा बोल करके, मुझे सूर्यास्त के पहले वापस आना था,
क्योंकि जहां मेरा हेलीकॉप्टर उतरा था वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, तो ये था कि मैं उससे पहले वहां से चला जाऊंगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता। तो मैं गया आधा घंटा बोल करके, फिर वहां से वापस आया, एक ही पूंछ थी, मोदी 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 मोदी। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, बंगाल के अंदर हो, उड़ीसा के अंदर हो, असम है, त्रिपुरा है, राजस्थान में आप चले जाइए, राजस्थान आज वहां के लोग भी पश्चाताप करते हैं कि गलती हो गई। जितना बड़ा झूठ कांग्रेस बोलती है, और पहले तो सहजादा ही झूठ बोलता था, अब सहजादी भी साथ में आ गई। यानी मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूं कि कुछ लोगों के डीएनए में क्या झूठ घुस के आ गया, और एक झूठ को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां मैं गया एक ही पूंछ है, एक ही नारा है, और वो नारा है फिर एक बार, एक ही नारा गूंज रहा है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है। हमारी लड़ाई भारत के लिए है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अराजकता के खिलाफ है। और जब देश के लिए कोई लड़ाई लड़नी होती है तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने अहम को त्यागना होता है, अपने स्वार्थों को त्यागना होता है। उस अहम और स्वार्थ को तिलांजलि देने का एक यज्ञ है लोकतंत्र का, एक महापर्व चुनाव। जो व्यक्ति राष्ट्र माता के प्रति उसकी वंदना करते हुए, अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को तिलांजलि देते हुए देश के लिए कार्य कर सके, उसके साथ हमारा समर्थन होगा। यह भाव भारत के नागरिक के अंदर आज के दिन पर आना ही चाहिए, और इसलिए भी आना चाहिए, आजादी के बाद भारत का सैनिक एक मांग रखता था, वन रैंक वन पेंशन का। क्यों कांग्रेस ने 1970-71 से इस मामले को लटका रखा था, 73 में फाइनल हो चुका था, लेकिन कांग्रेस ने तब भी लागू नहीं किया वन रैंक वन पेंशन। 35,000 करोड़ रुपए भले ही देने पड़े, लेकिन दिया तब जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आ गए। पहली बार ये सम्मान मिला, और क्यों ना मिले। आज कांग्रेस कहती है कि सेना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है। अरे ये संसद, संसद का चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं। विकास की आधारभूत इकाई हमारी ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है। सड़क नाली ये ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं तय करेंगी, लेकिन भारत कहां जाएगा ये तय करना है देश की संसद का चुनाव, इस बात को तय करता है। और देश की संसद के चुनाव की दृष्टि ही मुझे लगता है कि आप सौभाग्यशाली हैं। मैं तोमर जी से संसद में, मुझे रहने का अवसर तोमर जी के साथ प्राप्त हुआ, और मैंने तोमर जी से अक्सर मैं पूछता था, और इस बात की चर्चा होती थी, एक बार मुरैना चलना है, वहां मैं चलूंगा, इस बारे में अक्सर भी बात करता था, आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुझे आना था, लेकिन उसी दिन अयोध्या में एक घटना घटित हो गई, मैं, मेरा कार्यक्रम स्थगित हो गया था। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस आजादी के बाद से देश के साथ झूठ बोलकर के छल कर रही है, लगातार लगातार लगातार। आपने देखा होगा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के समय कितना झूठ बोला था। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भी आई थी, और उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में हमारी सरकार आई, हमने घोषणा की थी लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 86 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया था, 36,000 करोड़ के किसानों के खाते में भेजे थे, अकाउंट में दिया था,
क्योंकि हमने कहा अगर अकाउंट में नहीं देंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जी के अप्पा जान की तरह कोई घटना बात हो जाए कि लोग कहने लग जाएं कि देखिए साहब 100 रुपया भेजते हैं 10-15 ही रुपया पहुंचता है। हमने कहा कुछ नहीं, 1 लाख रुपया भेजेंगे किसान के खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। भाइयों बहनों, यहाँ की सरकार ने कहा था सब किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ हुआ नहीं हुआ है ना, एक झूठ। दूसरा झूठ, शिवराज जी, तोमर जी, सब लोगों ने मेहनत किया, आपको बिजली दिया। आज तो फिर ये चर्चा आम चर्चा है मध्य प्रदेश में कि बिजली गायब है। अब तो बिजली आम चर्चा हो गई कि बिजली नहीं है। ये बिजली गायब इसलिए भी करते हैं, कांग्रेस को बिजली से मतलब भी क्या, क्योंकि एक कहावत है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड और चंबल के संसाधनों पर अगर वह बिजली दे देंगे तो टकैती डालेंगे कैसे, और इसीलिए तो वे बिजली नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। और तीसरा, सुना है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अपराध भी बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री जी से, अपराध को कैसे नियंत्रित करना है, वे उत्तर प्रदेश में एक बार आ जाएं, हमारा एक सामान्य कांस्टेबल बता देगा।